सरफराज ने अपना आईपीएल में डेब्यू 2015 में करा था। तब आरसीबी ने सरफराज को अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया था और चेन्नई के खिलाफ खेलने के लिए सरफराज मैदान में उतरे थे। अपने डेब्यू मैच में सरफराज ने 7 बॉलों पर 11 रन बनाए, जिसके बाद आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी रहे जैसे एबीडी, विराट कोहली एंड क्रिस गेल की डोमिनेंस के कारण उन्हें टीम में जगह ही नहीं मिल सकी अगले 2 मैचेस के दौरान, जिसके बाद उन्हें खेलने का मौका राजस्थान के खिलाफ मिला। सरफराज का राजस्थान के खिलाफ इनिंग्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, जिसमें सरफराज ने 21 बॉलें खेली और 45 रन जड़े, जिसमें 6 बाउंड्रीज भी शामिल थी, जिसके कारण आरसीबी कामयाब रही एक बड़ा टोटल राजस्थान के खिलाफ खड़ा करने में। अपने डेब्यू सीजन में सरफराज ने 13 मैचेस खेले, जिनमें कुल मिलाकर उनका टोटल रहा था 111 रन 156.33 के स्ट्राइक रेट के साथ। 2016 के आईपीएल सीजन में भी वह आरसीबी का ही हिस्सा थे। उन्हें टीम में लास्ट सीजन की तुलना में इस साल खेलने का जल्दी मौका मिल गया था, लेकिन उनकी फिटनेस के कारण उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। पूरे सीजन में वह सिर्फ 5 मैचेस ही खेल सके, जिन्हें मिलाकर उनका टोटल रहा था 66 रनों का विद स्ट्राइक रेट 212.90 का। और वहीं 2017 का आईपीएल सीजन तो उन्हें पूरा का पूरा ही मिस करना पड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन के दौरान वह अपनी लेग इंजर्ड करा बैठे थे। 2018 के आईपीएल सीजन के दौरान आरसीबी ने सरफराज को आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, केदार जाधव एंड युजवेंद्र चहल की पसंद के कारण रिटेन तो कर लिया, लेकिन 2018 का आईपीएल सीजन भी सरफराज के लिए डिजास्टर ही साबित हुआ। उन्हें सिर्फ 6 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, जिसमें सरफराज ने टोटल 91 रन ही बनाए, स्ट्राइक रेट 124.39 के साथ। और 2019 के आईपीएल ऑक्शन से पहले आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया। साल 2019 के आईपीएल सीजन में पंजाब किंग्स ने सरफराज को अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। पूरे सीजन में सरफराज ने 8 मैचेस ही खेले और इन 8 मैचेस की टोटल पारी में सरफराज ने कुल मिलाकर 180 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर था 67 रनों का 59 बॉलों में। 2019 से 2021 तक पंजाब किंग्स की स्क्वाड का हिस्सा बने रहने के बाद 2022 में वह दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े। इस साल खेले गए फरवरी के महीने में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की इंजरीज के कारण सरफराज को 15 मैन स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। और तीसरे टेस्ट मैच में 15 फरवरी को सरफराज को मौका मिला अपना टेस्ट डेब्यू करने का। अपने डेब्यू इनिंग्स में सरफराज ने 66 बॉलों पर 62 रन जड़े, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ हुई उनकी एक मिसकम्युनिकेशन के कारण वह रन आउट हो गए। सरफराज के द्वारा खेली गई पारी के दौरान सरफराज ने 9 चौके और 1 छक्का जड़ा था और वह अपना नाम डेब्यू मैच में सबसे जल्दी अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे हार्दिक पांड्या के साथ, जिसमें हार्दिक ने अपने टेस्ट डेब्यू में 49 बॉलों पर 50 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में। जडेजा ने अपनी इस गलती को मानते हुए अपने इंस्टा हैंडल पर सरफराज से माफी मांगते हुए लिखा था, ये मेरी गलती थी, मुझे सरफराज के लिए बुरा लग रहा है, अच्छा खेले तुम। सेकंड इनिंग्स में सरफराज ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 72 बॉलों पर 68 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 94.44 के साथ, जिसमें 6 चौके एंड 3 छक्के भी शामिल थे। अपने टेस्ट डेब्यू में दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने के कारण वह चौथे नंबर के बल्लेबाज बन गए जिसने अपने टेस्ट डेब्यू में ये माइलस्टोन अचीव करा है। सरफराज के करियर का आगाज होना तो अभी बाकी है, सरफराज ने अभी बहुत कुछ हासिल करना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। स्काई इज नॉट द लिमिट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।